हेलो दोस्तों, नमस्कार। टेक्निकल व्यू न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे बेट निकालना, बेट कैलकुलेशन। अगर कोई ट्रांसफार्मर है, उसका LV कॉइल हो या HV कॉइल है, उसका IDUT मालूम है, तो अगर उसका टर्न मालूम हो तो उसका बेट कैलकुलेट कैसे करेंगे। दोस्तों, इसका फार्मूला होता है लेंथ गुणे एरिया गुणे डेंसिटी। लेंथ कैसे निकाला जाएगा हमने पिछली वीडियो में बताया है, एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको भी हमने पिछली वीडियो में बताया है, उसका डेंसिटी। अब देखते हैं डेंसिटी कितना पकड़ते हैं। एल्युमिनियम के लिए जो डेंसिटी होता है 2.7 सेवन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या 2.76 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसको केजी में लिखेंगे, 2.77 इंटू 10^-6 केजी हो जाएगा। अब कॉपर का पकड़ते हैं, 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसको ले लेते हैं 8.9 इंटू 10^-6 केजी। ये डेंसिटी हो गया कॉपर के। एल्युमिनियम के लिए 2.77 या 2.76 पकड़ेंगे और कॉपर के लिए 8.9 अगर वेट कैलकुलेट करेंगे इतना रखेंगे। मान लीजिए कोई 100 KVA का ट्रांसफार्मर है, उसका LV कंडक्टर जो है 11x4 का लगा हुआ है, उसको हमने लेंथ कैलकुलेट कर लिया है 32.3 मीटर, तो 32,300 mm हो जाएगा। ओके, अब पिछले वीडियो में हमने बताया लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे, एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, डेंसिटी कैसे कितना रखेंगे, इसको इसमें देख सकते हैं। वहाँ से हमने डिटेल में बताया लेंथ कैसे निकालेंगे। इसका एरिया मान लीजिए, एरिया आ गया 86.24, कैलकुलेट करेंगे आ जाएगा। तो इसका बेट निकालेंगे, इसमें फार्मूला रखेंगे लेंथ। ये ध्यान रहे, इसमें जो रखेंगे 32,300 mm हो गया इंटू एरिया 86.24 इंटू 2.77 है तो 2.77 इंटू 10^-6 kg। अगर इसको मीटर में रखेंगे तो यहाँ -3 कर देंगे, तब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, जो कैलकुलेशन के बाद आएगा उतना केजी हो जाएगा। दोस्तों, बेट निकालने का फार्मूला लेंथ गुणे एरिया गुणे डेंसिटी। लेंथ निकाल लेंगे, फिर उसमें एरिया से गुणा कर देंगे, फिर उसमें डेंसिटी से गुणा कर देंगे, तो इसका बेट निकाल लेंगे, बेट आ जाएगा। किसी कॉइल की RD दिया हुआ है, मान लीजिए RD दिया हुआ है 121, OD दिया हुआ है 156, टर्न दिया हुआ है 74, तो इसका लेंथ निकाल सकते हैं। लेंथ निकालना हमने बताया, उसमें पाई DN से फार्मूले से निकाल लेंगे, फिर इसका एरिया निकाल लेंगे, उसके बाद बेट निकाल लेंगे, इस हिसाब से इसका निकाल लेंगे। दोस्तों, आशा करता हूँ कि हमने जो ये बेट कैलकुलेशन बताया है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, अगले वीडियो में हम बताएंगे रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमें कमेंट में इस जो भी टॉपिक हमने बता रहे हैं, हमें कमेंट में मांगा गया है, हमारे पास कमेंट आया हुआ है कि इसका लेंथ कैसे निकाला जाएगा, एरिया कैसे निकाला जाएगा। और हमने पिछले वीडियो में एरिया निकालने के साथ साथ उसमें करंट डेंसिटी भी निकालना सिखाए हैं कि करंट डेंसिटी कैसे निकाला जाता है, पिछले वीडियो हमने दिखाया है। हमारा हर वीडियो किसी न किसी टॉपिक पर लिंक रहता है, कोरिलेटेड है, हर वीडियो किसी एक 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 दूसरे से लिंक है। अगर वो वीडियो नहीं आएगा फिर अगला टॉपिक समझ में नहीं आएगा। अगर कोई किसी ट्रांसफार्मर डिजाइन कर रहे हैं या वो या बेट निकाल रहे हैं, बेट निकालने के लिए हमें क्या लगेगा, लेंथ एरिया लगेगा। लेंथ एरिया हमने पिछले वीडियो में बताया हुआ है, आप देख सकते हैं। रेजिस्टेंस निकालेंगे तो रेजिस्टेंस में सब इसका यूज करेंगे।
दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। आगे हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।